नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए ग्रामर में। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं नरेशन में डेट्स विच को इंडेक्स विच में चेंज करने के तरीके, असर्टिव सेंटेंसेस के और इंपेरेटिव सेंटेंस के। आज हम करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव और एक होते हैं डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मसलन इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, या मे, माइट, कैन, कुड, या डू, डज और डिड, इनसे जो शुरू हो उन्हें कहते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनमें क्या करते हैं, सेट टू को हमें चेंज करते हैं इंक्वायर्ड में या आस्क में। बेहतर है आस्क में चेंज करें, इंक्वायर्ड में स्पेलिंग गलती ना हो। और कॉमास को खत्म करने के लिए आप लगाएंगे इफ या वेदर, और इसमें भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इफ ही लगाया करें, वेदर में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अक्सर बच्चे वेदर के वक्त वेदर के वो स्पेलिंग लिख लेते हैं जो मौसम के होते हैं। और जब आप इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, अगले सेंटेंस को आप स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, स्टेटमेंट से फिर आप उसको इंडेक्स में चेंज करेंगे। देखें कैसे, समझते हैं। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है जी। डू यू लाइक मैंगोज, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कॉमास क्लोज। तो ये क्या सिंगल इंटरोगेटिव है, समझते। इसमें क्या होगा, सेट टू को हम चेंज करेंगे किसमें, शी आस्क में। शी आस्क मी, कॉमास को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। जब हमने आस लगा लिया इस सेंटेंस को हम पहले स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। Do you like mangoes? तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुआ, यानी इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या हुआ, यू लाइक मैंगोज। अब यू सेकंड पर्सन पहले से के मफूल में जाएगा, और ये वाला लफ्ज जो है, यानी जो मफूल है मी है, वो इसी के हिसाब से, इसकी हालत के हिसाब से आएगा। ये नॉमिनेटिव स्टेट में था तो इसकी भी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव स्टेट कहते हैं। उसकी फाइल हालत क्या आएगा, आई। इफ आई लाइक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म में तो दिख जाएंगे, क्योंकि पहला हिस्सा जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। इफ आई लाइक्ड मैंगोज, और अब आपने यहां पर फुल स्टॉप डालना है, साइड ऑफ इंटरोगेशन नहीं डालना, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डिड यू सी मी यस्टरडे, क्या आपने कल मुझे देखा, साइन ऑफ इंटरोगेशन और कॉमास क्लोज। तो इस सेंटेंस में हमने क्या करना है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, यू सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, आस्क में या इंक्वायर्ड में। कॉमास को खत्म करने के क्या लगेंगे, इफ। अब जब हमने आस्क लगा लिया, इसकी स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, डिड यू सी मी यस्टरडे, तो इसका सादा क्या बनेगा, यू सा मी यस्टरडे, ओपन द डोर प्लीज, डिड यू सी मी यस्टरडे, तो इसका क्या बनेगा, यू सा मी यस्टरडे। यू सेकंड पर्सन पहले इसके मफूल में जाएगा, क्या आएगा, आई। और यहां पर हम कंसीडर करेंगे सी नहीं, क्या कंसीडर करेंगे, सा। अब सेकंड फॉर्म आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते हुए किसमें चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इफ आई हैड सीन मी, फर्स्ट पर्सन पहले से के सब्जेक्ट के मुताबिक, यू यस्टरडे चेंज इन टू द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप, ठीक है जी। अब इसकी वर्कशीट में आपको दूंगा, सेंटेंस दूंगा, घर से बना कर आएंगे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो वहां से ये करके मुझे चेक कराएंगे, व्हाट्सएप पर पिक सेंड करेंगे। और कोई चीज समझ नहीं आई तो दोबारा आप पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दोबारा आपको मजीद तफसील से बताने की। ओके।